उठी जो नजर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजी साथियों, अस्सलाम अलैकुम। बड़ी खुशी हो रही है कि हजूर पाक के परवाने किसी ना किसी बहाने से हर जगह हजूर पाक की मदा सराई में मसरूफ हैं। कहीं महफिल मिलाद हो रही है, कहीं मिलाद नबी के जुलूस निकाले जा रहे हैं, और कहीं गुंबदे खजरा। इन चीजों से मुसलमानों में हजूर पाक का इश्क पैदा हो रहा है, और इन्हीं चीजों को अभी हमने बैरू ममालक में भी देखा है। हमारे उलमा बैरू ममालक में पहुंचे, उन्होंने वहां भी ऐसी महफिलें सजाना शुरू कर दी। पिछले साल मैनचेस्टर में एक बहुत बड़ा ईद मिलाद नबी का जुलूस निकला, लेकिन कुछ मनफी आलम भी वहां पहुंच गए। उन्होंने लोगों को बहकाया कि ये बिदत हो रही है, ये या रसूलल्लाह कर रहे हैं, ये तुम उल्टा गुनाह में फंस रहे हो। अब वो लोग बड़े परेशान हैं, कहीं बशर का झगड़ा, कहीं नूर का झगड़ा। जर्मनी में मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ तो मुसलमानों ने सुना, वो आ गए। एक कहने लगे कि हमारी मस्जिद में खिताब करो, दूसरे कहने लगे हमारी मस्जिद में खिताब करो। तो हमने कहा कि बेहतर है कि एक ही मस्जिद में सारे इकट्ठे हो जाएं। कहने लगे नहीं, हम एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? कहने लगे हमारा दीन कच्चा था, हमें तो मजहब का पता ही नहीं था। पाकिस्तान से उलमा इधर आते हैं, हम को लड़ा के चले जाते हैं, वो वापस चले जाते हैं, हम डरते रहते हैं। अब पता नहीं तुम क्या कहने आए हो, हमें पहले ये बताओ तुम सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो, फिर हम कोई फैसला करें। हमने कहा ना सुन्नी है, ना शिया है, ना वहाबी है। कहने लगे फिर क्या कादियानी हो? कि कादियानी भी नहीं है तो फिर क्या हो? हम क्या बस उम्मती है। कि उम्मती क्या होता है? हजूर पाक ने फरमाया जिसमें नूर हो वो उम्मती होता है। और जब उम्मती से नूर निकलना शुरू हो जाता है वो सुन्नी शिया वहाबी बन जाता है। अल्लाह, तुम दोबारा अपने दिलों में नूर हासिल कर लो तो कभी नहीं कहोगे मैं सुन्नी हूं, मैं शिया हूं, मैं वहाबी हूं। यही कहोगे बस उम्मती हूं तुम्हारा या रसूल अल्लाह। पूछा उनसे तुम में आपस में लड़ाई क्या है? कहने लगे ये लोग कहते हैं कि हजूर पाक बशर हैं। तो हमने कहा इसमें हरज क्या है? आप अफदल बशर भी तो कहा गया है ना। कहने लगे नहीं, अफदल बशर का मकसद ये है कि जितने भी बशर हैं आप उनसे अफजल हैं, क्योंकि बशर जो है वो अल्लाह का खलीफा है। आप खलीफे से भी अफजल हैं, तो जो खलीफे से अफजल होगा फिर अल्लाह नहीं होगा तो उसे जुदा भी नहीं होगा। मैं बात तो बिल्कुल भी मकबूली थी। और दूसरों से पूछा तुम्हें क्या इख्तराब है? वो कहने लगे कि ये कहते हैं हजूर पापों को वो नूर है, हमें से इख्तराब है। मैं इसमें हरित क्या? अगर वो नूर कहते हैं, अल्लाह ताला ने खुद ही फरमाया कि मैंने जहर में तुमको नूर भेजा है हिदायत के लिए। वो कहने लगे नहीं, जो नूर होता है उसकी औलाद नहीं होती है। अल्लाह नूर है, फरिश्ते नूर ही है, उनकी औलाद नहीं है। इनकी औलाद है इसलिए नूर ही नहीं है। अब इनकी दिली भी माकूल थी, उनकी दिली भी माकूल थी। अब ये एक राज सरबस्ता है, अगर इसको खोल दिया जाए तो ना उनको कोई इख्तलाफ रहेगा, ना इनको कोई इख्तलाफ रहेगा। जरूरी है इस राज को खोला जाए।
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تیرا شاہی میرا شاہی ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا میں اپنے آپ کو دیکھوں تو صحیح میں ہے کیسا ہوں شکل میری کیسی ہے جس طرح آدمی کبھی کبھی اپنی صورت دیکھتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کو بھی خیال آیا کہ میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کیسا ہوں خیال آیا تو سامنے جو عکس پڑا تو وہ ایک صورت بن گئی حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل میں بنایا وہ سامنے عکس پڑا وہ صورت وہ ایک روح بن گئی جب وہ روح بن گئی اللہ اس پہ عاشق وہ اللہ پہ عاشق تب کسی نے کہا کہ خود عشق خود عاشق خود معشوق ہاں وہ خود ہی عشق ہی ہے تو خود ہی عاشق ہی ہے تو خود ہی معشوق ہے اب جو اللہ کا دین ہے وہ یہاں سے چلا ہے اللہ کا دین کو نماز روزہ نہیں ہے اللہ کا دین عشق اللہ اس کے دین کی ابتدا اس دن سے شروع ہو گئی اب اللہ نے اس روح کی تعظیم کے لیے جو فرشتے بنائے روحیں بنائیں زمین و آسمان بنائے حدیث ہی میں اے میرے حبیب آپ کو بھیجنا نہ ہوتا تو زمین و آسمان ہی نہ بناتا جو کچھ بنایا گیا حضور پاک کے لیے ہی بنایا گیا اب آپ کو پھر اس دنیا میں بھیجنا تھا دنیا میں بھیجنے کے لیے پھر کیا کیا جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام ہے شجرت النور اس کا بیج آپ کی والدہ کو کھلایا گیا اس بیج کی پرورش آپ کی والدہ کے شکم میں ہوئی اور وہ بیج انسانی خاصیت اختیار کر گیا پھر جب وہ بیج بڑا تو اس میں وہ روح جو اللہ کا عکس تھا وہ ڈالی گئی جب وہ روح ڈال دی گئی تو پھر وہ شجرت النور اور وہ نور اب 9 سال کی عمر میں آپ کا سینہ چاک ہوا آپ کے سینے میں جسد توفیق الہی ڈالا گیا جس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی یعنی اس میں ذات 9 سال کی عمر میں آپ کو عطا ہوا اس کے بعد پھر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا شب معراج میں پھر نور نور کے سامنے گیا پھر نور نور علی نور ہو گیا اب کچھ لوگ کہتے ہیں ایک خواب میں دیدار کیا ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ جا سکتے ہیں اٹھائے جا سکتے ہیں ادریس علیہ السلام کو فرشتے لے گئے وہ بھی ابھی ملکوت میں ہی ہے تو حضور پاک نہیں جا سکتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تیرا شاہی میرا شاہی اس دنیا میں 2 فرشتے آئے ہاروت اور ماروت جب ان میں وہ نفس ڈالا گیا انہوں نے بھی زور سے شادی کرنے کی خواہش کری اگر وہ شادی کر لیتے تو بچے تو ہو ہی جاتے ہیں اس وقت لوگ ان کو بشری کہتے تھے ہاروت اور ماروت کو لیکن اب کہتے ہیں 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے اسی طرح یہ نور بشر کی شکل میں آیا اب آپ کے جسم میں کچھ اور چیزیں بھی ڈالی گئیں جن کو لطائف بولتے ہیں ان لطائف میں سے ایک لطیفہ نفس ہے جب وہ آپ کے جسم میں ڈالا گیا آپ کا جسم نورانی تھا تو وہ بھی نور ہو گیا اب آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا ہوگا آپ نے فرمایا پیدا ضرور ہوا تھا لیکن وہ میری صحبت سے مسلمان ہو اب آپ کے جسم میں تو نور تھا وہ نور ہو گیا اب جو عام آدمی اس میں نور ہی نہیں ہے تو اس کے نفس کیسے نور ہوگا یہ جو گوشت ہے یہ کوئی ناپاک نہیں ہے اس کے اندر جو روحیں ڈالیں گے لطائف ڈالیں گے وہ بھی ناپاک نہیں ہے لیکن جب اس کے اندر نفس آیا تو یہ جسم ناپاک ہوا
बुल्ले शाह फरमाते हैं इस नस पलीत ने पलीत कीता असा मुंडू पलीत ना से, हम कुछ पलीत नहीं थे लेकिन जब ये नफ्स आया तो हम नापाक हो गए। अब जब नापाक हो गए नबियों के नफ्स मुतमन्ना है वह इंसानी शक्ल में, लेकिन आम आदमी के नफ्स कुत्तों की तरह है, वो नफ्स उनकी शक्ल है कुत्तों की तरह है, वो कुत्ते मौजूद हैं। एक हदीस ही में है कि जिस घर में कुत्ता होगा वह रहमत के फरिश्ते नहीं आते, वो इस नफ्स कुत्ते ने कहा मैं नहीं, वो कुत्ता मुझे नहीं कहा गया, वो नहीं इसी को कहा गया, वो कुत्ता तो आदम अलैहिस्सलाम के लिए हिफाजत के लिए जन्नत में बनाया गया था, आज तक वो हिफाजत कर रहा है, घर में ही होगा तो हिफाजत करेगा ना, अगर गली के कोने में बांधा होगा तुम्हारी क्या हिफाजत करेगा, वो कुत्ता नहीं ये कुत्ता, ये इसके घर है, ये जिसके अंदर ये कुत्ता है इसको नफ्स अम्मारा बोलते हैं वो नापाक है। हदीस में है कि कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं कुरान उनके ऊपर लानत करता है, वो जिनके नफ्स कुत्ते हैं वाकई वो कुरान पढ़ते हैं कुरान उनके ऊपर लानत करता है। मजल साहब फरमाते हैं मुब्तदी को चाहिए कि पहले जिक्र अल्लाह करे, कुरान उन लोगों के काबिल नहीं है जिनके नफ्स कुत्ते हैं, अपने नफ्स को जिक्र से पाक करे, अपने नफ्स को जिक्र से पाक करे, जब नफ्स पाक हो जाए फिर कुरान पढ़े, उस वक्त एक लम्हा फिक्रिया 100 साल की इबादत से बेहतर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहबरे रहनुमा। अब रहा सवाल क्यों नफ्स पाक कैसे हो, जब तक नफ्स पाक नहीं होता तुम्हारी कोई इबादत अंदर ठहरती नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर कुत्ता है तो यकीन करो जिस तरह एक दरबार बना लिया बाहर कलमा लिख दिया झंडे लगा दिए अंदर काफर बैठा दिया धोखा है ना, इसी तरह बाहर से दाढ़ियां तस्बीहां नमाजें लेकिन अंदर वो कुत्ता काफर बैठा हुआ है, ये शख्स जबरदस्त अपने आप से धोखा है। अब उस नफ्स को कैसे पाक किया जाता है, जब तक नफ्स पाक नहीं होगा कोई मंजिल मिलेगी नहीं, इंसानियत की मंजिल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसा उसका नफ्स होता है बातन वालों को वो वैसे ही दिखता है। एक दफा राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने अपने गुलाम को कहा कि तेल ले आ, लेकिन किसी इंसान से लेना, तो वो कहने लगा मुझे तो सारे इंसान लगते हैं, उन्होंने अपना एक बाल दिया इस बाल की गोलाई में देख लेना, जो इंसान नजर आया इस बाल की गोलाई में उससे तेल लेना। वो सारा दिन घूमते रहे, वो कोई गधा नजर आ रहा है कोई कुत्ता नजर आ रहा है, बड़ी मुश्किल से एक आदमी जो है ना वो इंसान नजर आया और उससे तेल खरीदा, उसका नफ्स पाक का। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के जमाने में एक औरत नंगी घूमती, लेकिन जब शाह अब्दुल अजीज को देखती तो पर्दा कर लेती। खलीफा कहता है कि क्या वजह है, आप बूढ़े भी हैं आपसे ये पर्दा कर लेती है, हम जवान भी हैं हमारे सामने नंगी घूमती रहती है। शाह अब्दुल अजीज ने फरमाया कि ये अंगूठी ले जाओ, अब जब वो औरत आए तो ये पहन लेना फिर तुम्हें राज का पता चलेगा। जब वो औरत आई तो उन्होंने अंगूठी पहनी, देखते हैं सब इंसानों में कोई कुत्ता है कोई गधा है कोई बैल है, अपने आप को देखा बकरा, सिर्फ अब्दुल अजीज और वो औरत इंसान नजर आए। उस वक्त शाह अब्दुल अजीज ने कहा कि वो कहती है मुझे सारे जानवर नजर आते हैं मैं पर्दा किससे करूं। अब वो नफ्स पाक कैसे होता है, एक बार की नमाज रोजे उस तक नहीं पहुंचते, वो तो अंदर है वो तो नसों में है, तुम बाहर से उसको डंडे मार रहे हो, ये नमाज रोजा इतना है कि बस डंडे उसको मारे सांप को लेकिन अंदर वो धक्का हुआ है, जब डंडे छोड़े फिर बाहर निकले, जब तक उस तक हथियार नहीं पहुंचेगा वो कैसे पाक पाएगा। आप उसको पाक कैसे करते हैं, इसके कई तरीके हैं। कुछ लोग जंगलों में चले गए रोजे रखने शुरू किए भूख प्यासी काटी, उसको नफसानी गजा नहीं दी जिक्र वगैरह की गजाएं दी नमाजें, तो उनसे नफ्स पाक हुए, लेकिन वो बहुत मुश्किल है उसके लिए, कोई कोई कामयाब होता है और कोई कोई जंगलों में जाता है। और एक और तरीका जो शहरियों के लिए है, शहरियों को भी जरूरत है नफ्स पाक करने की,
जो शहरियों के लिए तरीका है उसके लिए उनको कहीं से जिक्र कलब ढूंढना पड़ता है। जिक्र कलब क्या होता है? अब कहते हैं कि कुरान मजीद में नूर है, कहते हैं ना, एक सिख ने कहा मैं तुम्हारा आलम का एक आया तो मैं तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाता रहा, अगर कुरान में नूर होता तो मैं नूरी क्यों नहीं हुआ। एक ईसाई बोल उठा कि मैं शब और इस कुरान का मुताला करता हूं, नूरी मैं भी क्यों नहीं हुआ। और हमने कहा तुमने दिल से नहीं पढ़ा, वो कहने चलो हमने दिल से नहीं पढ़ा, तुम्हारे मुसलमान तो दिल से पढ़ते हैं ना, तो वो नूरी क्यों नहीं हुए। अगर वो सारे नूरी हो जाते एक दूसरे को काफर मुनाफिक क्यों कहते। वाकई उसने सही कहा, किसी किसी को कुरान से नूर हासिल करने का तरीका आता है, हर कोई कुरान से नूर हासिल नहीं कर सकता है। जिस तरह बादल बादल से टकराते हैं बिजली बिजली बनती है, लोहा लोहे से टकराता है चंगारी निकलती है, कुरान की आयतें जब आयतों से टकराती हैं तो नूर बनता है ना। अब कुरान पढ़ने वालों से पूछो तुमने कभी आयतों को आयतों से टकराया? वाह। और जिन लोगों ने टकराया वो अमल बन गए। कुछ लोगों ने तस्बीहों के लिए जो टिक टिक तस्बीह करती है इसके साथ अल्लाह अल्लाह मिलाते हैं, अल्लाह अल्लाह का रगड़ा देते हैं, 101 दफा अल्लाह अल्लाह होती है तो मामूली सी नूर की चंगारी उठती है, मामूली सी। लेकिन ये क्या करते हैं 10-12 दफा अल्लाह अल्लाह करी और पूछते हैं भाई क्या अल्लाह खैरियत है, वो तसलसल टूट गया, अब नूर कैसे बनेगा। कुछ लोगों ने फिर वो राह सीख लिया जो दिल की धड़कन है, ये भी तस्बीह है, दिल की धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह मिलाना शुरू कर दे। जब वो दिल की धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह का रगड़ा लगा तो फिर वो अंदर नूर बनना शुरू हो गया, तो फिर वो नूर बाहर नहीं निकला, उंगलियों में नहीं गया, वो नसों में चला गया। जब नसों में गया, नसों से फिर वो खून में गया, खून से फिर वो रूह तक पहुंचा, जब रूह तक पहुंचा तो रूह ने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी। फिर जब रूह ने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी फिर तुम कब्र में भी चले जाना तो वहां भी रूह अल्लाह अल्लाह कर दी रहेगी, यौम महशर में भी ये रूह अल्लाह अल्लाह करती रहेगी। फिर उस वक्त क्या होगा कि वो नूर अल्लाह अल्लाह का नूर तुम्हारे दिल में जमा हो जाएगा। जब उन नसों में नूर जाएगा तो फिर जहां नफ्स है उसको भी नूर घेर लेगा, चारों तरफ से उसकी गजा बंद हो जाएगी, फिर बेहालत मजबूरी उसको कलमा पढ़ना पड़ेगा। नारे तकबीर तेरा शाही मेरा शाही, दीन नबी का सच्चा दाई, बेहालत मजबूरी भी उसको कलमा पढ़ना पड़ेगा। कलमे के असर से काला कुत्ता था फिर सफेद कुत्ता हो गया, फिर कलमे के असर से उसकी शक्ल बैल की तरह हो गई, फिर बकरे की तरह हो गई, फिर एक दिन उसकी शक्ल तुम्हारी तरह हो गई। फिर उसको पकड़कर हजूर पाक की महफिल में ले गए। हाजरीन और हजूर पाक अश अशकर उठे, आफरीन है इसके ऊपर और इसके मुर्शिद के ऊपर कि जिसने कुत्ते को पाक किया इंसान बनाया मेरी महफिल में ले आया। उस वक्त हजूर पाक उसको कोई मर्तबा अरशाद दे देते हैं, अब उसकी रजाई उधर हो जाती है, रसाई उधर हो जाती है, इसको अब मुआरफ कहते हैं। वो पहला आरफ है, अब इसको मुआरफ कहते हैं जो हजूर पाक के कदमों में पहुंच गया। अब मुआरफ देखता है क्योंकि ये इसके नफ्स वहां पहुंचा है, खुद नहीं पहुंचा, खुद जिस्म इधर है। अब वो जो आरफ है उनके जिस्म वहां पहुंच गए हजूर पाक के पास। अब ये मुआरफ देखता है कितने खुश नसीब हैं जिस्म समेत हजूर पाक की महफिल में बैठे हैं। इतने में हजूर पाक किसी से बात करते हैं, अब वो आरफ पूछते हैं आप किससे बात कर रहे हैं, हमको तो नजर नहीं आ रहा। फरमाते उससे बात कर रहा हूं जिसका जिस्म मखलूक में और ये रूह नफ्स की रूह मेरे पास।
اور وہ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے ادھر بھی موجود ہے اور ادھر بھی موجود ہے. اتنے میں نماز کا وقت آتا ہے, حکم ہوتا ہے یہ جو زہری جسم والے ہیں یہ زہر میں جا کے نماز پڑھیں ورنہ ولایت سلب ہو جائے گی. اس روحانی کی نماز اس لطیفہ نفس کے ذریعے حضور پاک کے پیچھے ہوتی ہے. وہ اگر ایک نماز بھی حضور پاک کے پیچھے مل جائے ان ہزاروں رکعتوں سے بہتر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اب ادھر حضور پاک کی طرف رسائی ہو گئی, اب باقی اللہ رہ گیا. اب وہ جو اللہ اللہ کرتا تھا اللہ اللہ کا نور اس کے دل میں جمع ہو گیا. ایک حدیث میں ہے کہ یہ جو زہر ہے یہ باطن کی نقل ہے. زہر میں بجلی کا نظام ہے, باطن میں نور کا نظام ہے. یہاں موبائل پڑا ہے, اس کی لہ بجلی ہے, اس میں اس کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں امریکہ پہنچ جاتی ہیں. اگر بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھی ہیں امریکہ پہنچ جاتی ہیں, اگر کہیں نور ہوگا تو اس کی لہریں اٹھی تھی وہاں کہاں پہنچیں گی؟ سبحان اللہ, نور کی لہریں وہاں سے اٹھیں گی عرش مولا تک پہنچیں گی. اب صرف عرش مولا سے رابطہ ہوا, بات چیت نہیں ہے. جس طرح امریکہ سے فون مل گیا اب بات چیت کیا ہوگی؟ جب حضور پاک شب معراج میں گئے اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا, یہ نمازیں تحفہ ہیں کہ یہ اپنی امت کو دے دینا, یہ تحفے وہ مجھے بھیجیں گے, میں ان کو یاد رہوں گا وہ مجھے یاد رہیں گے. اب وہ تحفے نیچے آ گئے, اب تحفوں کو اوپر بھیجنے کے لیے وہ ٹیلی فون چاہیے. اللہ, اگر آپ کے اندر وہ نیرو ٹیلی فون نہیں ہے تو آپ کے تحفے یہی ہیں, اوپر نہیں جا رہے ہیں. اس کو نماز سورت بولتے ہیں. سورت کا مطلب ہے کہ جس طرح تمہارا عکس ہے, اب عکس تمہارے فوٹو سے کیا حاصل ہوگا, یہ نماز سورت ہے. لیکن جس کے اندر وہ نوری ٹیلی فون لگ گیا اس ٹیلی فون کے لیے اس کی نماز عرش مولا میں جاتی ہے, اس کو بولتے ہیں نماز مومن کا معراج ہے. یہ صرف مومن کا معراج ہے. اگر مومن کا معراج ہے وہ گلی تو اسے اگلی چیز ہے نا. مومن کی آواز عرش مولا میں پہنچتی ہے تو ولی ان روحوں کے لیے بذات خود وہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ, جب تمہارے اندر اللہ اللہ شروع ہو جائے گی تو تمہارے اندر اور بھی مخلوقیں ہیں, روحیں ہیں. جس طرح جن اور فرشتے ہیں اس طرح وہ روحیں ہیں تمہارے اندر, ست روحیں ہیں. باقاعدہ حدیث میں ان کے نام ہیں قلب, روح, سری, خفی, اخفا, انا, نفس. نو ان کے خلیفے ہیں, باڈی گارڈ. 16 چیزیں تمہارے اندر ہیں. جب تم 16 چیزیں ان میں نور جائے گا تو وہ 16 چیزیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے. اس جسم میں یا اللہ ہوگا, اگر اللہ نہیں ہے تو پھر شیطان ہوگا. اگر ہمارا دل میں نور نہیں ہے تو تمہارے دل میں شیطان ہے. اور یقین کرو کہ جو اللہ قلبی اللہ اللہ نہیں کرتے ان کے دلوں میں شیطان ہے. ان کو یہ بات بری لگی ہوگی لیکن ہم دلیل دیتے ہیں. جب وہ نماز پڑھتے ہیں وہ سوچنا نہیں چاہتے, ان کو ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں جو وہ سوچنے نہیں چاہتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں سوچنا چاہتے لیکن ان کے دل میں وسوسے آتے ہیں, پھر وہ شیطان ہی ڈالتے ہیں نا, ان کی نماز خراب کرنے آتا ہے نا, تو شیطان ہے نا. بالکل. اب دوسرا اس کا ثبوت ہے, آپ ذکر کے حلقے میں بیٹھ جائیں, وسوسہ نہیں آئے گا. آپ اللہ میں لگ جائیں آپ کو وسوسہ نہیں آئے گا, الٹی مستی آئے گی. تو کیا وجہ ہے مستی کیوں آئے گی؟ کیونکہ جس طرح کوا تیر سے بھاگتا ہے اس طرح شیطان اللہ سے بھاگتا ہے. جب اللہ سے شیطان بھاگتا ہے لیکن جب تم اللہ کا ذکر چھوڑو گے تو پھر واپس آ کے جائے گا نا. اگر تمہارے اندر ہی ہلکا بن جائے تو وہ جو تمہارے اندر کی مخلوق اللہ نے کرنا شروع کر دے تو پھر یہی مسجد, تو یہی کعبہ, یہی گلے گلے. میرا شاہی, میرا شاہی, دین نبی کا سچا دائی, ارے ان سے ہم نے نعمت پائی. اب تمہاری نماز اس مسجد میں ہے, تمہاری نماز خانہ کعبہ میں ہوگی,
लेकिन इनके खाने काबे कोई और है। अल्लाह, ये जब जवान हो जाती हैं, इनका खाना काबा बैतुल मामूर है, ये वहां जाके नमाजें पढ़ती हैं, अरशे मौला में जाके नमाजें पढ़ती हैं, फरिश्तों के साथ नमाजें पढ़ती हैं, नबियों वलियों की रूहों के साथ नमाजें पढ़ती हैं, और ये उस वक्त तक सर नहीं उठाती जब तक अल्लाह जवाब ना दे लब्बैक या अब्दी, उस वक्त तक सर ही नहीं उठाती है। फिर यही चीजें हैं ये तुम्हारे अंदर हैं, यही चीजें हैं, नूर से बिल्कुल नूरी हो जाती हैं। जब नूरी हो जाती हैं तो फिर इंसान सोचता है देखिए ऊपर क्या हो रहा है, ये ऊपर प्रवास करती हैं, बैतुल मामूर से भी ऊपर चली जाती हैं, फरिश्ते रोकते हैं नहीं रुकते हैं। कहते हैं जो कुछ भी है बैतुल मामूर से आगे जल जाएगा, और ये बैतुल मामूर से भी आगे चली जाती हैं, वहां पहुंच जाती हैं जहां रब की जात है। जहरी जिस्म से हुजूर पाक वहां पहुंचे, और इन मखलूकों से वली वहां पहुंचते हैं। जब कोई अल्लाह के रूबरू चला जाता है तो एक दूसरे को प्यार से देखते हैं, फिर अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले, देखते प्यार से देखते, फिर वो अल्लाह के नक्शे उसकी आंखों में आता है, आंखों से उसके दिल में जाता है, जब दिल में जाता है फिर अल्लाह ताला फरमाता है अब तू नीचे चला जा, अब जो तुझे देख ले वो मुझे देख, तेरा शाही मेरा शाही, तीन नबी का सच्चा दाई, पंखे मस्त पलंग रहेंगे, ये दुनिया वाले तंग रहेंगे। इंसान यहां तक पहुंच सकता है, और इंसान पहुंचे हैं, सात सारे हैं, सात जहान हैं, हर जहान से एक एक मखलूक पकड़ के अल्लाह ताला ने इनके जिस्मों में डाल दी, और सात ही जनते मनाई, पता नहीं इसको किस जहान की सैर करने का शौक हो। अगर इसको मलकूत का शौक हुआ तो कलब को ताकतवर बना लेगा, अगर जबरूद में जाने का शौक हुआ तो रूह को ताकतवर बना लेगा, अगर इसको शौक हुआ अगर मैं अल्लाह को देखूं तो लतीफा अन्ना को ताकतवर बना लेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने सात जनते बनाई, वो एक ही जन्नत काफी थी ना, तो सात जनते क्यों बनाई, तो फिर अगर एक ही जन्नत सात जनतों में एक लोग ही चले जाए, नहीं उसने फिर सात मखलूकें बनाए। ये कलब से बात करेगा खुलत का एक किरदार है, ये रूह से बात करेगा दार इस्लाम का, ये सिरी से करेगा दारुल करार का, ये खफी से करेगा अदन का और नईम का मावा का फर्दो, एक से एक आला जन्नत है। अब लोग कहते हैं हम तो बख्शे जाएंगे, हम भी कहते हैं वो पांच नमाजों से भी जन्नत मिल जाएगी, और बल्कि अगर अकीदा तुम्हारा सही है, गुस्ताख ना हो, गुनेगार ही सही हजूर पाक के गुस्ताख ना हो, भले गुनेगार ही सही, हो सकता एक ही दफा उनके नाम को चूम लो, उसी सदके से अल्लाह ताला तुमको बख्श दे। और हमारा अकीदा है गुस्ताख ना हो, कलमा गो हो, बख्शा ही जाएगा। लेकिन अब बख्शा तो गया, उधर अल्लाह ताला ने फरमाया क्या है, लोगों ने समझ रखा है हम इनको नेकूकारों के बराबर कर देंगे, बख्शा भी गया, अब नेकूकारों के बराबर तो नहीं हो सकता ना। सबसे जो अदना जन्नत है वो खुलद है, सबसे अदना इबादत है वो कलब की है, इसने तो कलब की इबादत करी को नहीं, फिर जन्नत में चला गया जन्नतियों का गुलाम बन के रहेगा, कितना पछताएगा। एक हदीस शरीफ में है कि जन्नतियों को जन्नत में जो अफसोस होगा कि जो दुनिया में जो नमा बगैर जिक्र अल्लाह के गुस्सा, एक हदीस शरीफ है, जो जिक्र नहीं करते थे उनको अफसोस, काश हम कलब का जिक्र करते, खुलद के हकदार होते, खुलद वाले कहते काश हम रूह का करते तो दारुल करार में चले जाते, दारुल सलाम में चले जाते, हर किसी को एक एक का अफसोस हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अब जो बात दिल में हो, जो जुबान में हो वो दिल में हो, उसको आप सच्चा कहेंगे ना।
दुनियावी लिहाज से भी अगर आपकी जुबान में कुछ और है, दिल में कुछ और है, आप मुनाफिक हैं ना। दुनियावी हिसाब से भी अगर दुनियावी हिसाब से आप मुनाफिक हैं, तो अल्लाह के मामले में अगर आप जुबान में और रखें तो दिल में और रखें, तो आप बहुत बड़े मुनाफिक हैं। क्यों जी? जब आप नमाज पढ़ते हैं, उसकी नमाज पढ़ते हैं, जुबान से कहते हैं कह दे अल्लाह है क्या, दिल कहता है कार विच आटा ही कोनिया, ऊपर जुबान से कहते हैं अल्लाह उसमत अल्लाह बेनियाज है, दिल में कहते हैं बीवी बीमार है, लामिया ले दुआ लामी ला, दिल कहता है ड्यूटी से लेट हो गए, चल जुबान में और दिल में और। ये मुनाफकत है। ऐसी नमाज कभी कबूल नहीं होती, भले सुन्नी हो या शिया हो या वहाबी हो। इस नमाज को नमाज सूरत बोलते हैं। मजद साहब फरमाते हैं हर आदमी की नमाज सूरत है, खासाने खुदा की नमाज हकीकत है। फरमाते हैं हर आदमी को चाहिए कि नमाज हकीकत तलाश करे। नमाज हकीकत के लिए तुम्हें सबसे पहले अल्लाह अल्लाह सीखनी होगी। ये तुम्हारा पहला रुकन है। पहला रुकन तुम्हारा कलमा तैयब है। और हदीस शरीफ में अफजल जिक्र कलमा तैयब, इसका मतलब है कि कलमा तैयब जिक्र में है। और कुछ लोग वाकई मस्जिद में नमाज के बाद कलमा तैयब का जिक्र करते हैं। फिर कुरान फरमाता है और दूसरे लोगों के लिए उठते बैठते हत्ता करते लेते मेरा जिक्र कर, खरीदो फरोख में भी से हासिल ना रहना। ये तुम्हारा पहला रुकन है। ये तुम्हारे कुरान का पहला लफ्ज है। अल्लाह से अल्लाह अल्लाह कर। अगर इसकी जलालत से डरता है तो नाम से ला इल्ला इल्लल्लाह का जिक्र कर। अगर इसकी भी तौफीक नहीं है तो मीम से मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता रहे। अगर इसकी भी तौफीक नहीं है फिर कुरान में लगा रहे, फिर पता नहीं कुरान तुझे हदायत दे या तुझे गुमराह कर दे। क्योंकि कुरान उनको हदायत देता है जिनके नफ्स पाक हो चुके हैं। बकायदे लिखे हुए हैं कि हो तो लिल मुत्तकीन, हदायत करता है पाकों को। ये जो हदायत करता है पाक लोगों को हदायत करता है। और वो जो पाक लोग थे, वो जो हमारे आलम थे, उन्होंने इन्हीं से कुरान के जरिए काफरों को मुसलमान बनाया ना। और उनकी तोहीन दीन इस्लाम की तोहीन है। हजूर पाक फरमाते हैं उन्हीं आलमों के लिए, उनको आलम रब्बानी भी कहते हैं कि मेरे आलम बने इसराइल के नबियों की मन बने। कहां मुसलमानों में कहीं भी फितना खड़ा होता फौरन कौन जाते उसको जाके मिटाते। तो जिन आलमों ने नफ्स पाक हुए बगैर इससे हदायत पाने की कोशिश करी वो खुद भी गुमराह हो गए और 72 फिरके बना गए। और वो जो कहते हैं ना कुरान मजीद कि कुछ लोग हैं जिन पे कुरान लानत करता है, ये वही लोग हैं ना भाई। उनको लोग लानती कहते हैं ना, काफर कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं ना, फिर लानती तो हो गए ना। और वो लोग काफरों को मुसलमान नहीं बना सकते। वो तो उन लोगों ने बनाया जिनके नफ्स पाक थे, ये मुसलमानों को काफिर कह सकते हैं। मुसलमानों को काफिर कह सकते हैं। वो फितने मिटाते थे, ये रोज एक नया फितना खड़ा कर देते हैं। इनके पास फितना क्या है कि बस फतवे लगा दो, फतवा इनके पास बहुत बड़ा फितना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बच्चे मस्त पलंग रहेंगे, ये दुनिया वाले भंग रहेंगे। ये पहली सुन्नत भी है। हजूर पाक को 9 साल की उम्र में इसमें जात अता हुआ है। किसी नबी को अता नहीं हुआ इसमें जात, उनको सिफाती सुना मिलते रहे। सिर्फ हजूर पाक को 9 साल की उम्र में इसमें जात अता हुआ। जब आप लोगों को मुसलमान बनाते थे, नमाजें तो उतरी नहीं थी उस वक्त, तो वो मुसलमान क्यों करते थे? हर वक्त जिक्र अल्लाह ही करते हैं, जिक्र अल्लाह ही से उनके सीने मनोवर हो गए। फिर जब नमाजें उतरी अलकों में नहीं अटकी, सीधी सीनों में गई। ये तुम्हारी पहली सुन्नत। इसके लिए तुम्हें अल्लाह अल्लाह सीखनी होगी। दिल की धड़कनों को अल्लाह अल्लाह में लगाना होगा। क्योंकि कुरान मजीद फरमाता है उठते बैठते अता करोटे लेते वक्त भी मेरा जिक्र कर, खरीदो फरोख में भी जिक्र कर। दिल की धड़कनों के साथ इसको मिलाना होगा। फिर कोशिश करोगे काम काज करता रहूं, अल्लाह अल्लाह होती रहे। इसको बोलते हैं दस्तकार में दिल यार में।
फिर कोशिश करोगे, गाड़ी चलाता रहूं, अखबार साला पढ़ता रहूं, अल्लाह अल्लाह होती रहे, कामयाबी हो जाएगी। फिर कोशिश करोगे, नमाज पढ़ता रहूं और अल्लाह अल्लाह होती रहे। उस वक्त जुबान कहेगी के भी अल्लाह एक है, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह, अल्लाह उस्मान, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। अब जुबान इकरार कर रही है, दिल तस्दीक कर रहा है। अब जो जुबान में वही दिल में, जुबान जिक्र मुफस्सल में और दिल जिक्र मजम्मल में, जुबान दलील से मनवा रही है कि कह दे अल्लाह एक है और दिल बगैर दलील के मान रहा है कि अल्लाह अल्लाह। जुबान का तसर्रुफ है, अमेरिका से बोलते हैं यहां सुनते हो, और दिल का तसर्रुफ है यहां गूंजता है, अरशे मौला वाले सुनते हैं। तुम्हारी नमाज को ये दिल अरशे मौला में पहुंचाएगा। अब इस्लामी ममालिक सारे हैं, इराक भी है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, इस जुबान से सारे एक हैं, क्योंकि जुबान से सारे कलमा पढ़ते हैं ना, और दिल से तो एक नहीं है। दिल से एक दूसरे को काफिर मुनाफिक कहते हैं, लड़ते हैं। लब जब तुम्हारे दिलों में भी अल्लाह ना आ जाएगी, फिर जुबान से भी है और दिल से भी है, फिर ना शिया रहेगा तो ना देवबंदी रहेगा, ना सुन्नी रहेगा, बस उम्मती हूं तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सैयदी मुर्शदी गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, जो हो ना इश्क मुस्तफा। हजूर पाक ने उम्मत के लिए फरमाया, मेरी उम्मत वो जिसमें नूर होगा। हदीस में भी है कि क्यामत क्यामत में उम्मतों की पहचान नूर से होगी। हर नबी की उम्मत में मुनाफिक भी थे, ख्वारिज भी थे, जिनमें नूर था। अब मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में या रहमानों का सिफाती नूर था, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में या कद्दूसों का। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह दीदार दे, जवाब आया ताब नहीं है। कहने लगे किसी में ताब होगी? जवाब आया एक मेरा हबीब और उसकी उम्मत। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया, मैं उम्मती होके, मैं नबी होके उम्मती की बराबर नहीं, जलवा दे देखी जाएगी। जलवा पड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। अब क्या वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम को तूर में इस दुनिया में बेहोश हुए, हजूर पाक सामने जाके मुस्कुरा रहे। मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में या रहमानों का सिफाती नूर था, वो जात की ताब ना ला सके। हजूर पाक के जिस्म मुबारक में इसमें जात का जाती नूर था, जात जात के सामने मुस्कुराए, और हजूर पाक के तोफैल वो इस उम्मत को मिला था जिसको फजीलत हुई। और उम्मत इससे डरती है या महरूम है? उम्मत इससे डरती है या महरूम है? और यकीन करो कि जिसमें नूर नहीं है वो उम्मत ही नहीं है। तो भाई वो उम्मत ही नहीं है तो खुद ही तब भी तो कहता है मैं सुन्नी हूं, मैं शिया हूं, मैं वहाबी हूं। तो अगर वो नूर हो तो क्यों कहे? फिर कहे मैं उम्मत हूं। एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम भी कह बैठे है अल्लाह दीदार दे, तो अल्लाह ने फरमाया तूने मूसा का हाल नहीं देखा? तो सहम गए क्योंकि हाल देखा हुआ था, तो फिर दीदार कैसे होगा? मुझे तो बहुत तलब है कि दीदार बड़े अरसे बाद होगा, वो भी मेरे हबीब को और उसकी उम्मत को। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह फिर नबूवत संभाल तू, मुझे उम्मतियों से ही तुम्हें खड़े कर देना। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल करी, उनको जिंदा उठाया। अब मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम को फिर भेजा जाएगा, जाओ जाओ के उनसे बैत हो। ईसा अलैहिस्सलाम मेहदी अलैहिस्सलाम से बैत होंगे, फिर इसमें जात उनको दिए जाएगा, फिर इसमें जात के जरिए उनको अल्लाह का दीदार होगा। अल्लाह और जिसके लिए उन नबियों ने इतनी परेशानी उठाई, वो चीज जो तुमको मिली और तुम उसे महरूम, तुम उसे महरूम, कितनी बदनसीबी है। इस वक्त हर आदमी अपने आप को उम्मती तस्वर कर रहा है। बहुत से लोग हैं हजूर पाक के जमाने में कोई मुनाफिक हो गया, कोई ख्वारिज हो गया, वो मुनाफिक आज भी मौजूद हैं, अपने आप को वो भी उम्मती कहते हैं लेकिन मुनाफिक हैं। वो सरहद की तरफ देखने में आते हैं, वो कहते हैं हम नमाजें भी पढ़ेंगे, तस्बीहें भी, तहज्जुद भी,
और सारा काम इस्लामी शरीयत का करेंगे, लेकिन सूद का कारोबार नहीं छोड़ेंगे। वो हारे मुनाफिक हो गए, खारिज हो गए। और जो मुनाफिक हैं वो भी हमने देखे हैं, वो कहते हैं हमारी तरह तो बशर ही है ना, इनकी बच्चे होते हैं, इनमें हमें क्या फर्क है, बस बड़े भाई की तरह। अल्लाह हमारे दरमियान ये एक डाकिया है, वो मुनाफिक है, वो भी लोग देखने में आते हैं। ना मुनाफिक की बात कबूल होती है, ना ख्वारिज की बात कबूल होती है। लेकिन जो बाकी रह गए उनमें भी हजूर पाक ने फरमाया कि ये झूठा भी मेरा उम्मती नहीं है, वो तो निकल गए ना, झूठे कहा ये भी मेरा उम्मती नहीं है। अब क्या खबर, तुम तो झूठ से बड़े बड़े काम कर जाते हो, तो हो सकता है तुम्हें हजूर पाक ने खारिज कर दिया हो। जिस तरह उनके पास कोई सबूत नहीं है, इस तरह तुम्हारे पास भी कोई सबूत नहीं है ना। यकीन करो जो तुम्हारा विरसा था इसमें जात का इस दुनिया में आ चुका है। आओ अपना अपना सा हिस्सा ले जाओ। तेरा शाही मेरा शाही, तीन नबी का सच्चा दाई, आशिकों के दिल का माही। और उसके लिए कोई शर्त नहीं रखी अल्लाह ताला ने, ना कोई नजराना, ना कोई बैद, ना कोई काला, ना कोई चिट्टा, ना कोई गोरा, ना कोई ईसाई, ना कोई काफर, ना कोई यहूदी, सारी दुनिया के लिए उसने वो खजाना नीचे भेज दिया कि जो उम्मती होगा उसी को मिलेगा ना। आओ अपना खजाना ले लो, अगर तुम्हारे सीने में अल्लाह ने चला गया तो उम्मती हो गई ना, सबूत हो गया। अगर कोशिश के बावजूद, खजाना आने के बावजूद तुमको मिलते ही नहीं है, तो या मुनाफिक तो ये खारिज हो। आप उस खजाने को हासिल करने का तरीका दिए, भाई कोई भी चीज है तुम्हें हासिल करनी है, उसके लिए कहीं तो जाना पड़ेगा ना। उस खजाने को हासिल करने का तरीका है, और यकीन करो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, उन लोगों में भी कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह चाहता है, काफिरों से घूमने भी ऐसे हैं जिनको अल्लाह चाहता है, वो सबके लिए है। क्योंकि ये जो दीन है, ये दीन तो जैसा इंसान था वैसे अल्लाह ताला ने उसके लिए दीन बना लिया। तौरात में कुछ और दीन है, जबूर में कुछ और है, अंजील में कुछ और है, कुरान में कुछ और है, फिर उसका अपना दीन क्यों? फिर उसका अपना दीन कुछ और होगा ना। वो नूर है, जो नूर हो जाता है वो उसका हो जाता है। जिस तरह पहाड़ है, मैग्नेट के पहाड़ है मगरब की तरफ, यहां है कुतुब मीनार, वो जिस शहर में भी ले जाओ उसका रुख उत्तरी होगा, मगरब की तरफ होगा, उससे निस्बत है ना। अगर तुम्हारे दिल में नूर आ गया तो फिर तुम जिस फिरके में हो, जिस मजहब में हो, तुम्हारा रुख अल्लाह की तरफ होगा। तो फिर जिधर अल्लाह, तुम वो खुद खुद ही तुम्हें मोह लेगा। अब उसका तरीका क्या है? रोजाना 66 मरतबा सफेद कागज पर काली पेंसिल से अल्लाह लिखो। आप थोड़े ना लिखेंगे, आप जो कागज पे लिखते थे वो आपकी आंखों में तैरना शुरू हो जाएगा। लोग कहते हैं ये मिसमरिज्म है, सही कहते हैं, ये मिसमरिज्म नहीं है, मिसमरिज्म इसी से निकला है। मिसमरिज्म वाले क्या करते हैं, शमा को या सूरज की रोशनी को आंखों में ले आते हैं, उसकी ताकत से शीशे के ग्लास पर नजर डालते हैं, वो क्रैक हो जाए। लेकिन इंसान के ऊपर 180,000 जाले हैं दिल के ऊपर, वो शमा या सूरज की रोशनी उन जालों को तोड़ नहीं सकती। जब वो अल्लाह का लफ्ज आंखों में आता है, आंखों से फिर तवज्जो से दिल के ऊपर उतारे, उस अल्लाह के लफ्ज में इतनी ताकत है कि वो 180,000 जालों को तोड़ता तोड़ता दिल के ऊपर जाके बैठ जाएगा। जब दिल के ऊपर बैठ जाएगा तो दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, टिक टिक टिक, वो उसकी तस्बीह, उस टिक टिक के साथ अल्लाह हु मिलाए, एक के साथ अल्लाह, एक के साथ हूं। रात को सोने लगे, उंगली को कलम ख्याल करें, दिल पे अल्लाह लिखते लिखते सो जाएं, इसी में नींद आ जाए। यकीन करो बहुत से लोग हैं इस जमाने में भी है, यहां भी मौजूद होंगे, जिनके दिलों पे अल्लाह लिखा नजर आता है।
उनको खुद नजर आता है, उनके दिलों पे अल्लाह लिखा हुआ है। जब अल्लाह लिखा जाए तो फिर यकीन करो तो बेखौफ हो जाना, बड़ी शान शौकों से कब्र में चले जाना। फरिश्ते आएंगे, सबसे पहले पूछेंगे बता तेरा रब कौन है, पूछेंगे तेरा रब कौन है, खामोश हो जाना, सताना उनको, फिर पूछेंगे तेरा रब कौन है, बताता कौन है, फिर खामोश, और तीसरी दफा फिर पूछेंगे, गुंगा तो नहीं है, बता तेरा रब कौन है, कफन को पीछे हटाना, अल्लाह लिखा हुआ है। और जरूरत नहीं पड़ेगी को दूसरे सवाल तुमसे पूछे, कहेंगे सलाम अलैकुम हम जा रहे हैं, तू जानो तेरा रब जानो, तेरा शाही, तेरा शाही, तीन नबी का सच्चा दाई, आशिकों के दिल का माही। अब इस अल्लाह को हर फिरका मानता है, हर मजहब मानता है, हाँ कोई ईसाई है या सिख है या हिंदू है, सारे इसको मानते हैं, अल्लाह को तो मानते हैं ना। हमने इसमें अगर कोई गैर मजहब भी है तो उसके लिए भी हमने अभी नमाज की बात तो नहीं करी है, अल्लाह की बात करी, तो दिल में अल्लाह को ला ना। कोई भी फिरके वाला है, देवबंदी है, मजहबी है, शिया है, काफर है, कोई भी है, ये उसके लिए है। रात को सोने लगे उंगली को कलम ख्याल करके तसव्वुर से अल्लाह लिखते लिखते सो जाए, इसी में नींद आ जाए। सुबह उठे वुजू है या नहीं, परवाह नहीं, दिल का वुजू पानी से नहीं होता। जब ये अल्लाह का नूर इस दिल में जाएगा, वो इस दिल को धोएगा, उसको बोलते हैं वुजू कर ले शौक शराबान। जिस दिन जिक्र खफी करते रहे, जिक्र खफी इबादत है, मंजिल नहीं है। जिस दिन तुम्हारी दिल की धड़कनों ने अल्लाह ला करना शुरू कर दिया, वो तुम्हारा तरीकत में पहला कदम है। ये जो कहते हैं शरीयत और तरीकत और हकीकत और मार्फत, वो मारे उलमा कहते हैं ये सब शरीयत में नहीं। शरीयत का तल्लुक किस जबान से है, वो तरीकत जब दिल बोल उठा अल्लाह अल्लाह में, तो ये तरीकत है ना। तो जब अल्लाह अल्लाह से पहुंच गया अल्लाह तक, तो वो हकीकत है ना। हकीकत का तल्लुक इन आंखों से है, तो फिर अल्लाह ताला जब उसको नमाज देता है तो वो मार्फत है ना, मार्फत फिर उसको बोलते हैं ना। तो तुम कैसे कहते हो कि सब कुछ शरीयत में। अगर जिक्र से गर्मी महसूस हो तो दुरूद ही पढ़ें, वो इसको ठंडा कर देगा। फिर देखें कि जिक्र से गुस्सा आ रहा है या ख्याल आ रहा है, घर बार छोड़ो, फिर दुरूद ही पढ़ें, वो इसको ठंडा कर देगा। ये इसका तरीका है। इसके लिए जो लोग चाहते हैं जिक्र लेना, भले कहीं से बैठते हैं या नहीं, हमें से मकसद नहीं है, जिक्र लें और अपनी किस्मत आजमाएं। अगर तो अल्लाह ने शुरू हो गया तो दुआ दे देना, अगर अल्लाह ने शुरू ना हुआ तो जो दो चार दिन अल्लाह ने करोगे उसका स्वाब तो मिल जाएगा ना। इसके लिए बता दें कि जो लोग जिक्र लेने वाले हैं, जिक्र लें और किस्मत आजमाएं। जो भी सामाइन जिक्र कल किबला सरकार शाह साहब से लेना चाहते हैं, एक एक करके इस साइड से चाहते हैं, वो सरकार शाह साहब की ज़ियारत करते हुए, सरकार शाह साहब के सामने से गुजरते हुए अल्लाह हू पढ़ते हुए गुजर जाए, जिक्र कल का इज़्ज़त हासिल हो जाएगा। इस साइड से आ जाए, इस तरफ से आते जाए, एक एक करके सब साथी कतार बनाकर एक एक करके आए और किबला सरकार शाह साहब से जो भी जिक्र लेना चाहे छोड़ दो, भेजो, तमाम साथी रास्ता छोड़ दें, और जो नए साथी हैं उन्हें आने दें, जो भी साथी सरकार शाह साहब से सरकार शाह के सामने से अल्लाह अल्लाह पढ़ते हुए गुजर जाए, सरकार की ज़ियारत करते हुए सरकार के सामने अल्लाह अल्लाह पढ़ते हुए गुजर जाए,
सरकार की ज़ियारत करते हुए सरकार के सामने अल्लाहू अल्लाहू पढ़ते हुए गुजर जाएं। तमाम साथी सरकार की ज़ियारत करते हुए अल्लाहू अल्लाहू पढ़ते हुए गुजरे। कतार बना कर आए, बनाए मेहरबानी, जल्दी जल्दी आ जाए। जो जिक्र लेने वाले हैं, जो जिक्र लेने वाले हैं जल्दी जल्दी आ जाए और कतार बना कर आए सरकार की ज़ियारत करते हुए और अल्लाहू अल्लाहू पढ़ते हुए क़िबला शाह साहब के सामने से गुजरे। कोई भी जाकिर ना आए और सिर्फ नए साथी आए। शाह साहब की ज़ियारत करते हुए अल्लाहू अल्लाहू पढ़ते हुए शाह साहब के सामने से गुजरे। जल्दी जल्दी आए। जो भी साथी जिक्र करके जन हासिल करना चाहते हैं जल्दी आ जाए। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.